हेलो स्टूडेंट, लास्ट चैप्टर में अपन ने स्टडी की थी डबल फर्टिलाइजेशन और सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन की। तो डबल फर्टिलाइजेशन में अपन का दो बार निषेचन हो रहा था, जिसको अपन डबल फर्टिलाइजेशन बोल रहे थे, जिसमें एक में ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर और एक में डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बन रही थी। ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर अपन ट्राइसोम में बोल रहे थे, और डिप्लॉयड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन को अपन नॉर्मली अपने ट्रू फर्टिलाइजेशन या सिनेगेमी कह रहे थे। आज जो अपना टॉपिक है वो क्या है, अपना एम्ब्रियो जेनेसिस या डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड एंजियोस्पर्म प्लांट। तो एंजियोस्पर्म प्लांट में किस टाइप से डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का, तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होने का जो मेथड होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो जेनेसिस या भ्रूणोद्भवन कहते हैं। तो अपन सीधे कहेंगे निषेचन के बाद में किसका, द्विगुणी जायगोट का बनना ही, द्विगुणी जायगोट से भ्रूण का बनना ही क्या है, भ्रूणोद्भवन है, या डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो बाय डिप्लॉयड जायगोट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद में डिप्लॉयड जो जाइगोट होता है उसी से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना ही क्या है, भ्रूणोद्भवन है। तो सीधा अपन इसको एक नॉर्मली लीनियर डायग्राम में बताया कि भाई जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना क्या है, एम्ब्रियोजेनेसिस है। और एम्ब्रियोजेनेसिस जो होता है उसमें दो प्रोसेस है, फर्स्ट अपना क्या है सेल डिवीजन, और सेकंड क्या है अपना सेल डिफरेंशिएशन। देखो सेल डिवीजन मींस अपन कहते हैं कि सेल के नंबर इंक्रीज होते हैं, इट मींस सेल होती है वो टू टू से फोर, फोर से एट, और एट से 16 सेल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होती है। जैसे ह्यूमन में अपन कहते हैं मोरूला ब्लास्टुला वगैरह स्टेज बनती है, तो उसमें नॉर्मल अपने जो सेल होते हैं वो नंबर इंक्रीज होते हैं, वैसे यहाँ पे भी नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। उसके बाद में सेल का क्या होना स्टार्ट हो जाता है, डिफरेंशिएशन होना लग जाता है। और जब सेल का डिफरेंशिएशन होता है तो किसका फॉर्मेशन होता है भाई, जो ऑर्गन्स होते हैं उसका फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऑर्गन का बनना क्या है भाई, ऑर्गेनोजेनेसिस है, या अपन कहते हैं सेल डिफरेंशिएशन है। तो एम्ब्रियोजेनेसिस में तो सेल डिवीजन हो जाता है, और दूसरा क्या होता है ऑर्गेनोजेनेसिस या सेल डिफरेंशिएशन हो जाता है। तो अपन देखते हैं पहले अपन प्लांट में ये एम्ब्रियोजेनेसिस क्या मेथड। तो देखो प्लांट में जो एम्ब्रियोजेनेसिस की मेथड है उसको सबसे पहले डिस्कवर किया था किस साइंटिस्ट ने, हेंस्टीन ने। किसने डिस्कवर किया था इसको, हेंस्टीन नामक साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। किसने डिस्कवर किया, हेंस्टीन ने, भाई ध्यान में रखना, हेंस्टीन ने इसको डिस्कवर किया, और कब किया, 1840 में किया था, यानी 1840 में किया था। और कौन से पादप में किया, तो पादप कहेंगे कौन सा, कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस, कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस। ये जो कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस जो प्लांट होता है वो इस क्रूसीफेरी फैमिली का क्या है, एक मेंबर है, क्रूसीफेरी फैमिली का एक मेंबर है। इसी रीजन से इसका जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है उसको अपन क्या बोलते हैं, क्रूसीफर टाइप का डेवलपमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रूसीफर टाइप का डेवलपमेंट बोलते हैं, यानी अपने जो सिलेबस में है वो इसी कैप्सेला का जो डेवलपमेंट है वो है। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, क्रूसीफर टाइप का डेवलपमेंट, या ओनाग्रेट टाइप का डेवलपमेंट भी इसको कह सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कि अपना ये डेवलपमेंट होता कैसे है। तो देखो डेवलपमेंट जो होता है वो उस प्लांट के में एम्ब्रियो का जब डेवलपमेंट होता है तो उसकी अलग अलग स्टेज होती है। जैसे ह्यूमन में मोरूला ब्लास्टुला वगैरह होती है, वैसे ही प्लांट्स में भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेज होती है। प्लांट्स में जो डिफरेंट स्टेज होती है वो कितने टाइप की होती है भाई, सिक्स टाइप की स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज होती है कौन सी, ऑक्टेन। फर्स्ट स्टेज कौन सी है, ऑक्टेन। सेकंड है, सॉरी, फर्स्ट स्टेज कौन सी है, क्वाड्रेट। फर्स्ट स्टेज कौन सी है, क्वाड्रेट या चतुष्क अवस्था। फर्स्ट कौन सी है, चतुष्क या क्वाड्रेट। और सेकंड कौन सी है, सेकंड अपन कहेंगे भाई, सेकंड कौन सी है अपनी, ऑक्टेन स्टेज। यानी फर्स्ट आपने होगी कौन सी, क्वाड्रेट या चतुष्क अवस्था, सेकंड होगी अष्टांग अवस्था या ऑक्टेन स्टेज, थर्ड होगी अपनी ग्लोबुलर स्टेज, थर्ड कौन सी है, ग्लोबुलर, और फोर्थ कौन सी है आपकी, हार्ट शेप। कौन सी है, हार्ट शेप, हृदयाकार। और फिफ्थ है आपकी टॉर्पिडो, और सिक्स्थ आपकी कर्व्ड स्टेज या वक्रित अवस्था। तो अपन ये छह अवस्था है, चतुष्क अवस्था, अष्टांग अवस्था, ग्लोबुलर अवस्था, हृदयाकार अवस्था, टॉर्पिडो अवस्था और वक्रित अवस्था। क्वाड्रेट, ऑक्टेन, ग्लोबुलर, हार्ट शेप, टॉर्पिडो और कर्व। क्वाड्रेट में फोर स्टेज है, फोर सेल स्टेज है, ऑक्टेन मीन्स एट सेल स्ट्रक्चर है, और ग्लोबुलर मीन्स कितनी सेल स्ट्रक्चर है भाई, अपन कहेंगे नॉर्मली ये जो 16 सेल स्ट्रक्चर है। अब नॉर्मल अपन बात करते हैं भाई, यहाँ से दो फर्स्ट थ्री स्टेज होती है, इसमें नॉर्मल सेल के नंबर बढ़ते हैं, इसमें दो दो से चार, चार से आठ, आठ से 16 स्टेज बनती है। तो इसमें ओनली क्या हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है। उसके बाद जो होती है उसमें नॉर्मली क्या होती है, उसमें ओनली सेल डिफरेंशिएशन होता है, सेल नॉर्मली डिफरेंशिएट होती है, विभेदित होना स्टार्ट होती है। तो उसमें नॉर्मल अपन कहते हैं ग्लोबुलर अवस्था में भ्रूण एकदम गोल जैसा हो जाता है, इसमें क्या होता है, भ्रूण का
जो फ्यूचर है वो डिसाइड होना स्टार्ट हो जाता है। जब भ्रूण का फ्यूचर होना है वो डिसाइड होना स्टार्ट हो गया, इट मीन्स यहाँ पर नॉर्मली एम्ब्रियो के जो है वो अपना आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सी सेल होती है, इसकी रूट का फॉर्मेशन करेगा, कौन सी इसके शूट का फॉर्मेशन करेगी। तो आगे अपन नेक्स्ट अपन देखिए भाई, इसका कंप्लीट जो डायग्राम है या कंप्लीट जो इसका डेवलपमेंट है उसको अपन एक डायग्राम के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए इसके डायग्राम को समझने से पहले अपने को फोर ये जो सिक्स स्टेज बताई है वो कंप्लीट ध्यान होनी चाहिए। फर्स्ट आपकी कौन सी है, अपन कहें क्वाड्रेट स्टेज है, चतुष्क है, सेकेंड ऑक्टेन है, थर्ड आपकी कौन सी है भाई, ग्लोबुलर है, फोर्थ हार्ट शेप है, फिफ्थ आपके टॉर्पिडो है और सिक्स आपके वक्रित है। अब देखिए किस टाइप से होता है, तो इसको समझने से पहले अपने को थोड़े से डिवाइडेशन किस टाइप से होते हैं वो ध्यान में रखना है। देखो अगर आपके पास कोई सेल है, जैसे मान लो आपके पास ये सेल है, तो अगर इस सेल में आप इस तरह से लंबवत विभाजन करते हो तो कौन सा हो गया भाई, लंबवत विभाजन होगा। कौन सा विभाजन हो गया, लंबवत विभाजन होगा। अगर आप इसी सेल में इस टाइप से विभाजन करते हो, इस टाइप से विभाजन करते हो तो कौन सा हो गया, अनुप्रस्थ विभाजन हो गया, जिसको अपन TS बोलते हैं। अगर आप इस सेल में ऐसे विभाजन हो गया, ऐसे विभाजन हो गया, उसके बाद ऊपर से और विभाजन कर रहे हो तो वो कौन सा गया, पेरिफेरल या अपन कहेंगे परिणत विभाजन हो गया। तो अपने को यहाँ पर ही नहीं विभाजनों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब आपके अगर ये डायग्राम समझ में आ गया तो थ्योरी आप ऑटोमेटिक बना सकते हो, मैंने इसी की थ्योरी बनाई है। तो देखो पहले आपके पास क्या है, जाइगोट है। जाइगोट कैसा होता है, ट्वन स्ट्रक्चर होता है। जाइगोट कैसा है, ट्वन स्ट्रक्चर, जिसको सिनेगेमी के थ्रू बना, यानी एक सेल और मेल न्यूक्लियट के फ्यूजन के डबल फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन के थ्रू ये बना था। अब जब ये बन गया तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है, ट्रांसफर विभाजन होता है। जैसे इसमें अनुप्रस्थ विभाजन होता है दो सेल बन जाती है, एक एपिकल सेल बनती है और दूसरी आपकी कौन सी बनती है भाई, एक एपिकल सेल CA बन गई और एक आपकी CB बन जाती है, बेसल सेल बन जाती है, यानी ये विभाजन हुआ था। जैसे ये विभाजन हुआ तो दो सेल बन गए एपिकल सेल। एपिकल सेल होती है वो हमेशा निभागी सिरे पर होती है, चलेजल सिरे पर होती है, चलेजल सिरे की ओर होती है। और बेसल सिरे की सेल होती है वो कौन सी होगी, माइक्रोपाइलर एंड की होगी, या अपन कहेंगे बीजाणु द्वारीय सिरे की ओर जो है वो होगी। उसके बाद क्या होता है भाई, एपिकल सेल होते हैं हमेशा भ्रूण बनाती है, हमेशा ध्यान रखना है एपिकल सेल क्या बनाएगी, आपके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगी। ये जो बेसल सेल होती है वो तो खाली क्या करेगी, एंडोस्पर्म सप्लाई करने का काम करेगी। तो नॉर्मल एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कौन करेगी, एपिकल सेल। अब इस एपिकल सेल में यानी CA में तो लॉन्गिट्यूडनल यानी लंबवत विभाजन होता है, मतलब इस तरह से खड़ा विभाजन होता है, और ये जो बेसल सेल होता है उसमें इस तरह से पड़ा विभाजन, इट मीन्स क्या है, ट्रांसवर्स सेक्शन या अनुप्रस्थ विभाजन होता है। ऐसा विभाजन होने से चार सेल तो बन गई और ये चारों सेल क्या हो जाते हैं, टी शेप में स्ट्रक्चर में सेट हो जाते हैं, टी जैसे आकार में सेट हो जाती है। लेकिन अभी यहाँ पर चतुष्क अवस्था नहीं आई है, क्वाड्रेट स्टेज नहीं आई है, क्यों, एम्ब्रियो तो यह अपूर्व वाले बनानी है, और एम्ब्रियो अभी कितनी सेल में है, दो सेल में है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, प्रो एम्ब्रियो स्टेज बोलेंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, इसमें लॉन्गिट्यूडनल विभाजन और हो जाता है, जिसके रीजन से ये चार सेल स्ट्रक्चर में आ जाती है। तो अपन इसी को अपन यहाँ पर इस टाइप से डॉट डॉट करके दिखाएंगे, चार फोर सेल स्ट्रक्चर में आ गई। और तो अपन इसको ऊपर से देखा तो ऊपर से आपको चार सेल ऊपर दिखे और चार सेल इसी नीचे की ओर स्थित होती है, यानी टोटल कितनी सेल होंगे, अब सॉरी दो सेल ऊपर की ओर और दो सेल कहाँ, इसके जस्ट नीचे की ओर स्थित होती है। अब जैसे ये बन गया क्वाड्रेट स्टेज, ऑक्टेन स्टेज कैसे, यानी इसकी क्वाड्रेट स्ट्रक्चर कैसे आएगी, तो देखो अब ये CA जो होती है वो CA प्रो एम्ब्रियो बना रही, ये क्या है, प्रो एम्ब्रियो। इसको सप्लाई देने के लिए क्या चाहिए, नरिशमेंट चाहिए, यानी इसको डेवलप होने के लिए क्या चाहिए, नरिशमेंट। और नरिशमेंट कहाँ बना है, एंडोस्पर्म में बना। तो ये जो CB सेल होती है कंटिन्यूस फॉर्म में विभाजित होगी और कहाँ चलेगी, नीचे की एक लंबी पाइप जैसी रचना बना देगी, लंबी पाइप जैसी रचना बना देगी, सात से आठ विभाजन होने के रीजन से। जैसे ये सात से आठ लगातार अनुप्रस्थ विभाजन हुआ तो ये क्या बन गई, लंबी पाइप जैसी रचना बन गई, जिसको क्या बोलेंगे, निलंबक बोलेंगे। और इसी निलंबक का अंतिम जो कोशिका होती है वो एंडोस्पर्म में धस जाती है। जैसे वो एंडोस्पर्म में धस गए तो वहां से वो क्या गई, फूल कर मोटी हो गई, इसलिए उसको क्या बोल देते हैं, चुस्कांग बोल देते हैं, स्टोरियल सेल बोल देते हैं। ये उस एंडोस्पर्म को सक करेगी और कहाँ पहुंचाएगी, ऊपर की ओर पहुंचा देती है, ऊपर कहाँ तक, प्रो एम्ब्रियो तक पहुंचा देती है। जैसे ही प्रो एम्ब्रियो पहुंचता है तो ऊपर जो पहले लॉन्गिट्यूडनल विभाजन होता है उसके जस्ट एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिससे सेल कितनी सेल स्ट्रक्चर में आ गई, फोर सेल स्ट्रक्चर में आ गई और पहली स्टेज आ गई, कौन सी आपकी, क्वाड्रेट स्टेज आ गई। कौन से लगे, क्वाड्रेट स्टेज। अब इसी क्वाड्रेट स्टेज में क्या होता है भाई, पेरिफेरल डिवीजन होता है, जिसके रीजन से किस में आ जाती है, अष्टांग अवस्था में आती है, मतलब
आठ कोशिका बनते हैं, इट मीन्स चार छोटी कोशिका ऊपर आ गई, उसके नीचे चार बड़ी कोशिका है, आठ कोशिका बन गई। अब ये जो आठ कोशिका बन गई, इसमें क्या होता है भाई, जो नीलम्बक होता है उसके जस्ट पास वाली सेल जो होती है, नीलम्बक के पास वाली सेल, इसको अपन क्या बोलते हैं, हाइपोफाइसियल सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोफाइसियल सेल। और इसके बाद यानी ऊपर की ओर से होती है वो क्या कहलाती है आपकी, एपिबेसल सेल होती है। एपिबेसल सेल होती है वो प्लूमियल्स यानी प्रांकुर यानी वायवीय भाग का निर्माण करती है, और हाइपोफाइसियल सेल होते हैं वो मूलांकन यानी रेडिकल का फॉर्मेशन करती है यानी मूल वाले भाग का निर्माण करेगी। ठीक है, अभी यहाँ पर डिसाइड नहीं है, कंप्लीट डिसाइड कहाँ पर, ग्लोबुलर स्टेज में। अब ऑक्टेन स्टेज होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लोबुलर स्टेज में, कैसे, पेरिफेरल डिवीजन से। इसमें कंटिन्यूस फॉर्म में पेरिफेरल डिवीजन होता है, परिणत विभाजन होता है, जिससे ये आठ कोशिका होती है वो 16 कोशिका बदल गई, और यहाँ भ्रूण एकदम गोल गेंद जैसा हो गया। गोल गेंद जैसा जो भ्रूण हो है उसमें जो ये निलंबक होता है, सस्पेंसर जो होता है, सस्पेंसर के पास की जो सेल्स होती है वो तो हाइपोफाइसियल सेल होती है, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो सेल होती है वो कौन सी होती है, एपिबेसल सेल होती है। हाइपोफाइसियल सेल होती है वो नॉर्मली रेडिकल का या अपन कहते हैं मूलांकुर या मूल वाले भाग का निर्माण करती है, और एपिबेसल सेल होती है वो ऊपर वाले वायवीय भागों का निर्माण यानी प्रांकुर का निर्माण करती है। तो यहाँ तक तो ओनली क्या होता है, सेल का डिवाइडेशन होता है। यहाँ पर आते हैं, यहाँ सेल एकदम गोल गेंद जैसे होकर यहाँ पर एम्ब्रियो का फ्यूचर डिसाइड हो जाता है, जिस चीज से अपन बता सकते हैं इसे कौन से एपिडर्मिस बनाई, कौन से एंडोडर्मिस बनाएगी, वो चीजें बता सकते हैं। तो देखो, एपिब्लास्ट सेल हो चाहे एपोबास्ट सेल हो, इसमें जो आउटर सेल होती है वो आउटर सेल हमेशा किसका निर्माण करेगी, एपिडर्मिस का। अगर वो एरियल पार्ट के तो एरियल पार्ट के बना देगा, और अपन अंडरग्राउंड वाले के यानी रूट वाले पार्ट के तो रूट वाले पार्ट के एपिडर्मिस बना लेंगी। यानी ये जो पार्ट होता है, ये पहली लेयर जो होती है, ये वाली लेयर, ये किसका फॉर्मेशन करेगी, एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करेगी। उसके जस्ट नीचे जो सेल होती है, ये वाली सेल जैसे ये वाली लेयर हो गई, ये वाली लेयर किसका फॉर्मेशन करेगी, हमेशा कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन करेगी, इट मीन्स भरण ऊतक वगैरह बनाएगी। और सबसे अंदर वाली ये जो लेयर होती है, ये सबसे अंदर वाली लेयर अगर वो हाइपोफेसियल सेल की है तो रेडिकल वाले पार्ट की हो गई, एपिबेसल सेल है तो अपर प्लूमल वाले पार्ट की हो गई। ये अपने स्टील सिस्टम या अपन कहते हैं वेस्कुलर सिस्टम, जाइलम फ्लोएम का फॉर्मेशन करती है। अब यहाँ आने के बाद एम्ब्रियो में क्या हो जाता है भाई, डिफरेंशिएशन होना स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ से ये जो किस में कन्वर्ट होती है, हार्ट शेप में कन्वर्ट होती है, जिसमें जो एपिब्लास्ट सेल होती है वो अंदर की ओर मूवमेंट करेगी, जिस चीज से दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर बन गई। ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं कोटिलीडॉन्स। क्या बोलेंगे, कोटिलीडॉन्स, बीज पत्र। अब ये जो प्लूम्यूल्स यानी जहां से अंदर की ओर दशा गए वो वाला पार्ट क्या होगा, प्लूम्यूल्स प्रांकुर होगा, और वो अंदर की ओर मूवमेंट करेगा, अंदर की ओर मूवमेंट करेगा तो क्लियर लीफ लाइक स्ट्रक्चर बन गई। ये जो क्लियर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं भाई, कोटिलीडॉन्स बोलते हैं या बीज पत्र बोलते हैं। अब इस बीज पत्र के नीचे का भाई, ये वाला भाग तो प्लूम्यूल्स है, ये वाला भाग क्या है, प्लूम्यूल्स। इस प्लूम्यूल्स और रेडिकल के बीच में जो सेल्स हो गई, ये वाली सेल हो गई, ये आपको क्या है भाई, हाइपोबेसल सेल होती है, हाइपो कोटाइल सेल भी बोल सकते हैं इनको। हाइपोकोटाइल सेल होती है वो अधोबीज पत्र होती है, जहाँ से बीज पत्र वगैरह का फॉर्मेशन होना है, कोटाइल का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है, और इसके जस्ट रेडिकल वाला जो पार्ट होता है उसके ये जो सस्पेंसर वाला पार्ट होता है उसके बिल्कुल पास वाला रेडिकल होगा। इस टाइम ड्यूरेशन में यहाँ पर रेडिकल ये जो सस्पेंसर होता है कंप्लीट ड्राई हो जाता है, सूख जाता है और एकदम खत्म हो जाता है, पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। सॉरी। उसके बाद यहाँ पर अपन कहते हैं ये तो कंप्लीट डिस्ट्रॉय, क्योंकि एंडोस्पर्म कंप्लीट यूज हो गया। उसके बाद ये कार्बोनेस्ट स्ट्रक्चर में आकर ये क्या हो जाता है, ओव्यूल में फिक्स हो जाता है, ओव्यूल आगे किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में कन्वर्ट हो जाता है। इट मीन्स एम्ब्रियो हो जाए कार्बोनेस्ट स्टेज में, सीड में क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। अगर मान लो इस टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट एंडोस्पर्म यूज हो जाता है तो सीड में एंडोस्पर्म रहता नहीं है, तो उसको अपन नॉन एल्बुमिनस सीड बोल देंगे, और अगर यहाँ पर कुछ एंडोस्पर्म शेष रह जाता है, बच जाता है, तो उसको एल्बुमिनस सीड बोल देते हैं। तो इसमें क्या हुआ, सॉरी, तो इसमें नॉर्मल अपन कहते हैं जाइगोट, जाइगोट में ट्रांसफर विभाजन हुआ, दो सेल बनी है, ए सेल सी ए और सी बी, सी ए निभागे शिरे की ओर, सी बी बीजाणुद्वारी शिरे की ओर, सी ए भ्रूण बनाएगी, सी बी भ्रूण नहीं बनाएगी। सी ए जो होती है उसमें पहले लॉन्गिट्यूडनल विभाजन होता है, और सी बी में क्या होता है, ट्रांसफर, जिससे फोर सेल हो जाती है, स्ट्रक्चर हो जाती है, और वो टी शेप में क्या हो जाती है, सेट हो जाती है। इससे स्ट्रक्चर को अपन प्रो एम्ब्रियो बोल रहे हैं, प्रो
एम्ब्रियो को आगे डेवलप करने के लिए क्या नरिशमेंट चाहिए, तो सीबी कंटिन्यूस फॉर्म में 5 to 6 से क्या करेगी, ये अनुप्रस्थ विभाजन करेगी, जिससे एक लंबी चेन जैसी रचना बनेगी सेल की, 7 to 8 सेल स्ट्रक्चर बनेगी, और इसमें एंड सेल जो होती है वो एंडोस्पर्म में फिक्स हो जाती है। एंडोस्पर्म फिक्स हो जाने की वजह से फूलकर मोटी हो जाती है, इसको अपन स्टोरिया या चुस्का अंग बोलते हैं। यहाँ से एंडोस्पर्म से जो पोषण मिलता है वो ऊपर की ओर मूवमेंट करता है, और किसको मिलता है, एम्ब्रियो को मिलता है, प्रो एम्ब्रियो को मिलता है, जिस रीजन से प्रो एम्ब्रियो में क्या आ जाता है भाई, एक अनुप्रस्थ विभाजन, जिससे कितनी सेल बन गई, 4 सेल, ये कौन से आ गई भाई, चतुष्क अवस्था आ गई। चतुष्क किससे बदलती है, अष्टांग में, अष्टांग किससे बदलती है, ग्लोबुलर में। ग्लोबुलर में जो निलंबक के पास की जो सेल कोशिकाएं थी वो हाइपोफेशियल सेल थी, और इसमें जस्ट अपोजिट था वो एपिबेसल थे। एपिबेसल जो थी वो प्लूमुल का फॉर्मेशन कर रही थी, हाइपोबेसल जो है वो रेडिकल का फॉर्मेशन कर रही थी। प्लूमुल होता है वो एरियल पार्ट बनाता है, रेडिकल पार्ट है वो अपना भूमि वाला पार्ट बनाता है, जमीन वाला पार्ट बनाता है। इसमें सबसे आउटर लेयर होती है वो एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करेगी, उसके अंदर की लेयर जो होती है वो कॉर्टेक्स है, और सबसे अंदर की लेयर वेस्कुलर सिस्टम का फॉर्मेशन। फिर ये कन्वर्ट होता है हार्ट शेप में, हार्ट शेप कन्वर्ट होता है टॉर्पेडो स्टेज में। टॉर्पेडो स्टेज में कंप्लीट क्या बन जाते हैं भाई, दो कॉटिलीडॉन्स बन जाते हैं। कॉटिलीडॉन्स के जस्ट जहां से बनने स्टार्ट हुए वो क्या, प्लूमेल, और प्लूमेल के नीचे वाला पार्ट क्या हो गया, अपना हाइपोकोटाइल भाग हो गया, या अधोबीजपत्र हो गया, और इसके नीचे वाला जो भाग होता है वो क्या हो गया, मूलांकुर या रेडिकल हो गया, ये रेडिकल बन गया। इस टाइम ड्यूरेशन में ये कंप्लीट सस्पेंशन है क्या, डैमेज हो जाता है, खत्म हो जाता है। अगर सेल कंप्लीट एंडोस्पर्म यूज हो जाता है तो ये जो कंप्लीट है वो कर्व ने स्ट्रक्चर में ओव्यूल में फिट हो जाता है, और ओव्यूल आगे किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर एंडोस्पर्म शेष रहता है तो एल्बुमिनस सीड बन गया, शेष नहीं रहता है, खत्म हो जाता है कंप्लीट, तो नॉन एल्बुमिनस सीड बन जाते हैं। अब देखिए इसी को अपन ने थ्योरी में शो किया है कि सबसे पहले क्या हुआ, जाइगोट में अनुप्रस्थ विभाजन, जिससे CA CB शीर्षस्थ और आधारी दो सेल बन गई, शीर्षस्थ को CA, आधारी को CB से शो कर दिया। उसके बाद अपन ने कहा शीर्षस्थ निभागे सिरे पर है और आधारी किधर है, बीजांड द्वारे सिरे पर है। आधारी किधर है आपके, बीजांड द्वारे सिरे पर है। शीर्षस्थ शयन में क्या हुआ, अनुदैर्ध्य, और आधारी शयन में क्या हुआ, अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं, जिससे क्या बनता है, प्राकुरण बन गया। अब आधारी शयन में क्या होता है, लगातार 5 से 6 क्या हो गए, अनुप्रस्थ विभाजन हो गए। लगातार क्या हो गया, 5 से 6 अनुप्रस्थ विभाजन होने से लंबा क्या बन गया, निलंबक बन गया। क्या बन गया, लंबा निलंबक बन गया। और अंतिम कोशिका फूलकर कैसी हो गई, मोटी है, जिसको अपन क्या बोल देंगे, चुस्का अंग बोल देंगे। उसके बाद प्राक भ्रूण में क्या होता है, पहले से अनुदैर्ध्य विभाजन होने से लंबवत विभाजन होता है, जिससे क्या बनते हैं, चतुष, चतुष किससे बदल जाती है, अष्टांग बदल जाती है। चतुष किससे बदल गई, अष्टांग, पहले चतुष बनी, दूसरी किससे बदल गई, अष्टांग बदल गई। अष्टांग आगे किससे बदल गई, ग्लोबुलर में, जहां भ्रूण का क्या हो गया, भविष्य तय हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि भी कौन सी सेल में भ्रूण का भविष्य तय हो जाता है, कौन से स्टेज में, तो ग्लोबुलर स्टेज में। फिर इसके जो पास की सेल होती है निलंबक के पास की, हाइपोफिशियल या अधिस्पतिक और मूल का वाले भागों का निर्माण करेगी। विपरीत जो होती है एपिपेक्सल सेल होती है, जो वही भी भाग का निर्माण करेगी। और यहाँ पर इससे आगे किससे बदल जाती है, हृदयाकार अवस्था में बदलती है, किससे बदलती है, हृदयाकार हार्ट शेप स्ट्रक्चर में बदल जाती है। उसके बाद अगर देखें आगे तो हृदयाकार किससे बदल जाती है, आगे टॉर्पिडो स्टेज में बदल जाती है। हृदयाकार किससे बदल गई, टॉर्पिडो स्टेज में। और अंत में टॉर्पिडो किस में आ जाती है, वक्रित, और यहाँ पर बीज में आकर भ्रूण धस जाता है। तो कंप्लीट एक टिपिकल अपन एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर देखें डाइकोट प्लांट के, तो एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होती है। उसमें क्या होता है, ये दो तो कंप्लीट किया भाई, इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो एम्ब्रियोनल अक्षिस और एक कोटिलीडॉन्स। ये कंप्लीट एम्ब्रियोनल अक्षिस है, कंप्लीट क्या है, एम्ब्रियोनल अक्षिस है। तो एम्ब्रियोनल अक्षिस के दो पार्ट हो गए, कितने हो गए, दो पार्ट हो गए। एक तो अपने ये नीचे वाला जो रेडिकल वाला पार्ट बनाएगा, और एक ऊपर ये प्लूमुल वाला पार्ट है बनाएगा। तो प्लूमुल के जस्ट ऊपर ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है उसको अपन बोलते हैं क्या, कोटिलीडॉन, बीज पत्र। इस बीज पत्र के ऊपर की ओर मोटी परत जो भी रहती है, जैसे मान लो ये बीज पत्र है, तो इसके ऊपर की ये जो त्वचा होती है ये कंप्लीट क्या है, बीज पत्र है। ये कंप्लीट क्या है, कोटिलीडॉन्स है। तो इसके ऊपर ये कोई प्रोटीन जमी है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ये प्रोटीन जमी है तो इसको क्या बोलेंगे, एपिकोटाइल, ये बीज पत्रों पर ही, क्या बोलेंगे, बीज पत्रों पर ही। और प्लूमेल के नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोकोटाइल, या बीज पुत्रों पर, या अधोबीज पत्र। भाई अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, अधोबीज पत्र और बीज पत्रों पर एक, हाइपोकोटाइल एपिकोटाइल में डिफरेंस क्या है। तो हाइपोकोटाइल में भाई क्वेश्चन आ गया क्या, व्हाट इज
व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हाइपोकोटाइल एंड एपिकोटाइल, यानी बीज पत्रों पर एक और बीज पत्र आधार में क्या अंतर है? तो सीधा कहेंगे भाई ये नीचे का आधारीय भाग होता है, ये ऊपर की प्रोटीन होती है, ये ऊपर की प्रोटीन होती है। उसके बाद रेडिकल पार्ट होते हैं मूलांक, ये जो भ्रूणाक्ष होती है इसका दूसरा पार्ट है रेडिकल पार्ट। रेडिकल पार्ट होता है वो नीचे का होता है जो मूल गोप वगैरह मूलांकों का या मूल वगैरह का निर्माण करता है। इसका अंतिम भाग होता है वो टैपी जैसी या कैप जैसी स्ट्रक्चर से कवर रहता है, इसको अपन क्या बोलते हैं रूट कैप बोलते हैं। जो क्या करती है जब रूट अंदर की ओर मूवमेंट करती है, जब जर्मिनेट होता है तो जब प्लांट जर्मिनेट होता है तो रूट नीचे जमीन में मूवमेंट करती है तो अपर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो डैमेज नहीं हो जाए, तो अपर मेरिस्टेमिक टिश्यू डैमेज नहीं हो जाता है, उससे प्रोटेक्शन कौन करती है मूल गोप करती है। तो ये क्या है अपना एक टिपिकल या अपन कहते हैं नॉर्मल डाइकोट प्लांट का एम्ब्रियो है। थैंक यू।